तो आ तरफ अमदावाद में एनएसयूआई कार्यकरों विरोध जोवा मळ्यो छे। जी हां, तमाम अपडेट्स अहेवाल अमदावाद थी। अमदावाद में एनएसयूआई कार्यकरों विरोध सामे आव्यो छे। चांदखेड़ा कुलपतिना निवास स्थाने एनएसयूआई कार्यकरों एकठा थया अने त्यां तेमणे विरोध नोंधाव्यो छे। फी माफी नी मांग साथे तेमणे आ विरोध नोंधाव्यो छे। कुलपतिना बंगला नी बहार एनएसयूआई कार्यकरों उपस्थित अने त्यां तेमणे फी माफी ने लईने विरोध प्रदर्शन कर्यु। तो पोलीसे एनएसयूआई ना केटलाक कार्यकरों की अटकायत पण करी छे, कारण के विरोध प्रदर्शन अने आवा विरोध प्रदर्शन की कोई पण प्रकार की मंजूरी न होवा छता पण एनएसयूआई ना कार्यकरों चांदखेड़ा कुलपतिना निवास स्थाने विरोध कर्यो, त्यारे पोलीस द्वारा केटलाक कार्यकर्ताओं की अटकायत पण करवामां आवी छे। तो जे वात छे, मांग छे, ते छे फी माफी ने लईने। अने आज फी माफी नी मांग साथे एनएसयूआई ना कार्यकरो कुलपतिना निवास स्थान नी बहार पहुंच्या हता। तेमणे विरोध कर्यो, सूत्रोच्चार साथे तेमनो आ विरोध प्रदर्शन अने सामे पोलीस नो बळप्रयोग। तो पोलीसे तमाम जे एनएसयूआई ना कार्यकरो छे तेमनी अटकायत करी छे। तो एनएसयूआई ना कार्यकरो जे रीते छेल्ला केटलाय दिवसोथी ठेर ठेर फी माफी ने लईने विरोध करी रहा छे, अने त्यारे आजे चांदखेड़ा मां कुलपतिना निवास स्थाने तेओ पहुंच्या अने त्यां तेमणे विरोध नोंधाव्यो। तो एक ज मांग छे एनएसयूआई ना कार्यकरोनी के फी माफ करवामां आवे। जे रीते शाळाओमां 25% अनी फीनी वात छे, त्यां ज कॉलेजोमां पण फी माफीनी जाहेरात करवामां आवे। अने आज मांग साथे ठेर ठेर गुजरातमां एनएसयूआई द्वारा पण विरोध करवामां आवी रह्यो छे, पोतानी मांग साथे रोष ठालवामां आवी रह्यो छे। अने अत्यारे जे रीते विरोध थई रह्यो छे ते छे कुलपतिना निवास स्थाननी बहार, कुलपतिना बंगलानी बहार।